हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ तीन स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो कि कॉम्बिनेशन है लॉन्ग वेगा और शॉर्ट वेगा स्ट्रेटजीज की। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर वॉलेटिलिटी आपकी फर्स्ट कंसिडरेशन होनी चाहिए। वॉलेटिलिटी को समझना एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है। तो जो ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज होती है ये लॉन्ग वेगा स्ट्रेटजीज है, और ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज होती है ये शॉर्ट वेगा स्ट्रेटजीज होती है। मतलब ऑप्शन बाइंग में अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो आपको प्रॉफिट होगा, और ऑप्शन सेलिंग में हम चाहते हैं कि वॉलेटिलिटी गिरे, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में वोलेटिलिटी गिरती है तब हमें प्रॉफिट होता है। तो आज मैं आपके साथ तीन स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो कि कॉम्बिनेशन है लॉन्ग वेगा स्ट्रेटजी और शॉर्ट वेगा स्ट्रेटजीज की। तो चलिए, अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि ये तीन स्ट्रेटजीज क्या हैं। लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। इस कमिंग संडे को मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो कि होगी आयरन कॉन्डोर पे। ये एक कंप्लीट वर्कशॉप होगी आयरन कॉन्डोर पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आयरन कॉन्डोर का आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, ग्रीक्स क्या होने चाहिए, और आप इसमें किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो। मैं आपके साथ आयरन कॉन्डोर के मल्टीपल एडजस्टमेंट शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक आयरन कॉन्डोर को मैनेज कर सकते हो बिना मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाए। और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है तो आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो मैं मल्टीपल एडजस्टमेंट आपके साथ शेयर करूंगा, साथ ही मैं बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि आप डिफरेंट मार्केट सिनेरियो में जब मार्केट एक आयरन कॉन्डोर को ऊपर या नीचे किसी भी तरफ चैलेंज करता है तो आप इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हो। और इसके बाद मैं आपके साथ एक बोनस स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, और इस स्ट्रेटजी के एडजस्टमेंट भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली इस वर्कशॉप में मैं आपके साथ दो स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। तो ये वर्कशॉप संडे को होगी, दैट इज 18th of September। तो अगर आपको इस वर्कशॉप से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए तो ये नीचे मैंने नंबर दे दिया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि वो तीन स्ट्रेटजीज कौन सी हैं जो कॉम्बिनेशन है लॉन्ग वेगा और शॉर्ट वेगा की। तो ये मैं आपको ऑप्शन के स्क्रीन पर ले आया हूं, और निफ्टी अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है 17950 पे, मतलब 17950 है ये एट द मनी का लेवल है। तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी है आयरन फ्लाई। आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी है, ये कॉम्बिनेशन है लॉन्ग वेगा और शॉर्ट वेगा की। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, आयरन फ्लाई किस तरह से ट्रेड होती है। मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है 17950, दैट मींस आप ये मानिए 18000 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो यहां पे मैं आपको एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करके दिखाता हूं। तो मैं एक कॉल ऑप्शन को सेल कर देता हूं और साथ ही एक पुट ऑप्शन को सेल कर देता हूं। तो ये मैंने एक स्ट्रैडल को सेल कर दिया 18000 के स्ट्राइक की। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ हेजेस बाई करूंगा। तो आयरन फ्लाई क्या होती है, ये एक स्ट्रैडल ही होती है, लेकिन इसके दोनों तरफ हम हेजेस बाई कर लेते हैं। तो 18000 जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, इसके दोनों तरफ मैं हेजेस बाई करूंगा। तो यहां से मैं 300 पॉइंट नीचे जाता हूं और 17700 का एक पुट ऑप्शन बाई कर लेता हूं। और उसी तरह से 18000 से 300 पॉइंट मैं ऊपर गया और 18300 का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया। तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ हेजेस बाई कर लिए हैं। अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 12000 रुपीस का है, और मेरा मैक्सिमम लॉस है ये 3000 रुपीस का है। तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, और ये है एक आयरन फ्लाई। तो एक आयरन फ्लाई लॉन्ग वेगा और शॉर्ट वेगा का कॉम्बिनेशन कैसे है उसको आप समझिए। देखिए, आयरन फ्लाई के कंपोनेंट क्या है। मैंने एक स्ट्रैडल को सेल किया है, उसके बाद मैंने ऊपर और नीचे हेजेस बाई किए हैं। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है दो स्ट्रेटजीज का। दो स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, एक है शॉर्ट स्ट्रैडल और एक है लॉन्ग स्ट्रैंगल। देखिए, ये लॉन्ग स्ट्रैंगल है, 17700 का पुट ऑप्शन मैंने बाई किया है, 18300 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया है, और ये एक स्ट्रैडल है, 18000 का कॉल और पुट दोनों मैंने सेल किए हैं। तो देखिए, मैं आपको इनको ब्रेक डाउन करके दिखाता हूं। मैं एक और विंडो ओपन कर लेता हूं। देखिए, पहले मैं स्ट्रैडल को ट्रेड करता हूं। तो 18000 का मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया और 18000 का मैंने पुट ऑप्शन सेल कर दिया। तो ये एक स्ट्रैडल हो गई है। वहीं पे अब जो मैंने हेजेस बाई किए हैं ऊपर और नीचे की तरफ, 17700 का पुट और 18300 का कॉल। तो ये दोनों भी मैं आपको करके दिखाता हूं। 17700 का मैंने पुट ऑप्शन बाई कर लिया और 18300 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया। तो अब आप देखिए, ये जो मैंने हेजेस बाई किए हैं ये बेसिकली एक लॉन्ग स्ट्रैंगल है। अब मार्केट ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जाता है बड़ी तेजी से तो आपको एक लॉन्ग स्ट्रैंगल में प्रॉफिट होता है। और ये मैंने क्यों ट्रेड की है, क्योंकि ये मैंने स्ट्रैडल को ट्रेड किया था, इसमें मेरा लॉस था वो अनलिमिटेड था ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो ये ऊपर और नीचे जो अनलिमिटेड लॉस है, इसको हटाने के लिए मैंने एक लॉन्ग स्ट्रैंगल को ट्रेड किया है, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ अनलिमिटेड प्रॉफिट है। तो ये जो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है एक लॉन्ग स्ट्रैंगल में ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ये हेज करेगा एक स्ट्रैडल के अनलिमिटेड लॉस को ऊपर और नीचे दोनों तरफ। इस वजह से इन दोनों को जब मैं कंबाइन करता हूं तो ये एक आयरन बटरफ्लाई बनती है, और उसका सेटअप इस तरह का है।
तो अब आप देखिए लॉन्ग स्ट्रैंगल है, ये एक लॉन्ग वेगा स्ट्रेटजी है। अगर यहाँ पे वॉलेटिलिटी ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा, वहीं पे जो स्ट्रैडल है, जो शॉर्ट स्ट्रैडल है, ये एक शॉर्ट वेगा स्ट्रेटजी है। अगर वॉलेटिलिटी यहाँ पे नीचे जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो आयरन फ्लाई है, ये कॉम्बिनेशन होता है लॉन्ग वेगा और शॉर्ट वेगा स्ट्रेटजी का। तो देखिए मैं आपको ग्रीक्स दिखाता हूँ। यहाँ पे जो शॉर्ट स्ट्रैडल है इसका आप वेगा देखिए, इट इज नेगेटिव -3100, इसका वेगा है ये नेगेटिव है। वहीं पे जो लॉन्ग स्ट्रैंगल है इसका वेगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका वेगा आप देखिए 2700, इसका वेगा है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2700, और इसका वेगा है ये नेगेटिव 3100 है। तो ओवरऑल जो वेगा है वो -400 है हमारे आयरन बटरफ्लाई का। जो आयरन बटरफ्लाई है इसका वेगा -400 है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रैडल है इसका वेगा -3100 है, और जो स्ट्रैंगल है, जो लॉन्ग स्ट्रैंगल है, इसका वेगा +2700 है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है लॉन्ग वेगा और शॉर्ट वेगा स्ट्रेटजी का, और इसीलिए आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी है ये वेगा से उतनी ज्यादा एक्सपोज नहीं रहती है जितनी एक शॉर्ट स्ट्रैडल या एक शॉर्ट स्ट्रैंगल रहती है। तो पहली स्ट्रेटजी है आयरन फ्लाई। इसके बाद दूसरी स्ट्रेटजी जो आती है ये है आयरन कॉन्डोर। तो इसको भी मैं आपको ट्रेड करके दिखा देता हूं, मैं ये हटा देता हूं। मार्केट ट्रेड कर रहा है 18,000 के आसपास। तो यहां पे मान लीजिए मैं एक आयरन कॉन्डोर को ट्रेड करता हूं, मैं 300 पॉइंट नीचे जाता हूं और 17,700 का एक पुट ऑप्शन सेल कर देता हूं, और इसी तरह से मैं ऊपर जाता हूं और 18,300 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूं। अब मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ हेजेस बाई करूंगा, तो 18,300 से 100 पॉइंट ऊपर जाके और 18,400 का एक कॉल ऑप्शन में बाई कर लेता हूं, और उसी तरह से 17,700 से 100 पॉइंट नीचे जाके 17,600 का एक पुट ऑप्शन बाई कर लेता हूं। तो ये बन गया एक आयरन कॉन्डोर, और ये आयरन कॉन्डोर का सेटअप होता है, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 2600 रुपीज का है, आपका मैक्सिमम लॉस है वो 2300 रुपीज का है। तो ये है एक आयरन कॉन्डोर का सेटअप। अब आयरन कॉन्डोर है ये भी एक कॉम्बिनेशन होता है लॉन्ग वेगा और शॉर्ट वेगा स्ट्रेटजी का। कैसे? देखिए जिस तरह से आयरन फ्लाई कॉम्बिनेशन था शॉर्ट स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल का, उसी तरह से आयरन कॉन्डोर एक कॉम्बिनेशन है शॉर्ट स्ट्रैंगल और लॉन्ग स्ट्रैंगल का। तो देखिए यहाँ पे 17,700 का पुट ऑप्शन मैंने सेल किया है और 18,300 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है, तो ये क्या होगी, ये है एक शॉर्ट स्ट्रैंगल, और इसको हेज करने के लिए मैंने जो बाय किया है वो 17,600 का पुट ऑप्शन और 18,400 का कॉल ऑप्शन, तो ये क्या होगी, ये है एक लॉन्ग स्ट्रैंगल। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन है शॉर्ट और लॉन्ग स्ट्रैंगल का। और अगर इनको आपको ब्रेक डाउन करके दिखाऊं तो आप देखिए 17,700 और 18,300 का हमारा शॉर्ट स्ट्रैंगल है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं 17,700 जहां का मैंने पुट ऑप्शन सेल किया है, ये एक शॉर्ट स्ट्रैंगल है, और ऊपर की तरफ 18,300 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है। तो ये एक शॉर्ट स्ट्रैंगल है, और इसको हेज करने के लिए मैंने क्या किया है, एक लॉन्ग स्ट्रैंगल को ट्रेड किया है। 17,600 का पुट ऑप्शन मैंने बाय किया है और 18,400 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। 17,600 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया है और ऊपर की तरफ मैंने 18,400 का कॉल ऑप्शन बाय किया है। तो अब आप देखिए ये एक लॉन्ग स्ट्रैंगल का पे ऑफ चार्ट बनता है। तो इन दोनों को जब मैंने कंबाइन कर दिया तो जो स्ट्रेटजी बनती है उसको बोलते हैं आयरन कॉन्डोर, और ये उसका पे ऑफ चार्ट बनता है। अब आप देखिए मैं आपको ग्रीक्स को दिखाता हूं, ये एक शॉर्ट स्ट्रैंगल है। तो यहां पे अगर मैं ग्रीक्स देखूं तो आप वोलेटिलिटी को देखिए, यहां वेगा है -2700। जो शॉर्ट स्ट्रैंगल है इसमें वेगा -2700 है, और उसके बाद मैंने इसको हेज करने के लिए जो लॉन्ग स्ट्रैंगल ट्रेड किया है इसमें आप वेगा देखिए +2500 है। मतलब जितना भी आपका वेगा रिस्क था एक शॉर्ट स्ट्रैंगल में वो सारा हेज कर दिया है एक लॉन्ग स्ट्रैंगल ने, और इसी वजह से आपकी जो आयरन कॉन्डोर है इसमें वेगा आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, इसका वेगा सिर्फ -200 है। तो आयरन कॉन्डोर भी एक लॉन्ग वेगा और शॉर्ट वेगा स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन होता है, और इसीलिए इसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं होता है वोलेटिलिटी से, जिस तरह से एक शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल का होता है उस तरह का एक्सपोजर ही होता है एक आयरन कॉन्डोर में वोलेटिलिटी को लेकर। तो दूसरी स्ट्रेटजी है आयरन कॉन्डोर। अब बात करते हैं तीसरी स्ट्रेटजी की। तीसरी स्ट्रेटजी है एक रेशियो स्प्रेड। तो देखिए वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17,950 पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं 18,000 जो कि ऑलमोस्ट एट द मनी का लेवल है, इसका एक कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, जिसके लिए मैंने प्रीमियम पे किया 241 रुपीज। तो ये 241 रुपीज जो मैंने मार्केट को पे किए हैं ये मुझे मार्केट से वापस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं मल्टीपल ऑप्शन सेल करके और ये प्रीमियम मार्केट से वापस लूंगा। तो 18,000 से मैं ऊपर चलता हूं, और अगर मैं 18,250 का कॉल ऑप्शन के दो लॉट सेल करता हूं जिसका प्रीमियम 127 रुपीज है, तो मैं ऑलमोस्ट सारा प्रीमियम वापस ले रहा हूं।
तो अब आप देखिए, ये मैंने एक रेशियो स्प्रेड को ट्रेड किया है और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा, मुझे 650 रुपीज का प्रॉफिट ही होगा। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 13,000 रुपीज है और मेरा ब्रेक इवन है वो मार्केट से एक सेफ डिस्टेंस पे है। मार्केट ट्रेड करा है 17,950 पे और मेरा ब्रेक इवन है वो 18,500 पे है। तो अगर मार्केट 18,500 के बियॉन्ड ऊपर जाता है तब आपको अनलिमिटेड लॉस होगा, लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं तो आप इसको इजीली हटा सकते हो। तो ये है एक रेशियो स्प्रेड। अब रेशियो स्प्रेड है ये भी एक लॉन्ग वेगा और शॉर्ट वेगा स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप इस स्ट्रेटजी को ब्रेक डाउन करके देखोगे तो ये कॉम्बिनेशन है बुल कॉल स्प्रेड और शॉर्ट कॉल का। बुल कॉल स्प्रेड कैसे, 18,000 का कॉल ऑप्शन और उसके अगेंस्ट एक कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है 18,250 का। तो 18,000 और एक लॉट 18,250 का कॉल ऑप्शन, ये एक बुल कॉल स्प्रेड है। और उसके बाद मैंने एडिशनली एक और लॉट सेल कर रखा है 18,250 के कॉल ऑप्शन का। तो इस वजह से ये कॉम्बिनेशन हो गया शॉर्ट कॉल और लॉन्ग बुल कॉल स्प्रेड। तो लॉन्ग बुल कॉल स्प्रेड होता है ये एक लॉन्ग वेगा स्ट्रेटजी है और शॉर्ट कॉल है ये एक शॉर्ट वेगा स्ट्रेटजी है। तो इस वजह से एक रेशियो स्प्रेड है ये भी कॉम्बिनेशन होता है लॉन्ग वेगा और शॉर्ट वेगा स्ट्रेटजी का। लेकिन देखिए, यहां पे आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से आयरन कॉन्डोर और आयरन फ्लाई जो स्ट्रेटजीज थी वो वॉलेटिलिटी से बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं थी, लेकिन यहां पे आपका वॉलेटिलिटी एक्सपोजर कंपैरेटिवली ज्यादा होगा एक आयरन कॉन्डोर और आयरन फ्लाई से। क्यों? क्योंकि एक बुल कॉल स्प्रेड में आपका लॉन्ग वेगा इतना ज्यादा नहीं होगा जितना वेगा नेगेटिव होगा एक शॉर्ट कॉल में। इस वजह से यहां पे आपका जो वेगा एक्सपोजर है वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो चलिए, ये है वो तीन स्ट्रेटजी जो कॉम्बिनेशन होती है लॉन्ग वेगा और शॉर्ट वेगा स्ट्रेटजीज की। पहली स्ट्रेटजी है आयरन बटरफ्लाई, दूसरी है आयरन कॉन्डोर और तीसरी है रेशियो स्प्रेड। इन तीन स्ट्रेटजीज के जो कंपोनेंट है वो लॉन्ग वेगा और शॉर्ट वेगा दोनों होते हैं। तो इन तीनों स्ट्रेटजीज में वोलेटिलिटी से आपकी हेजिंग इनबिल्ट आती है। तो चलिए, अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ये नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, 18 सितंबर की वर्कशॉप जो कि आयरन कॉन्डोर पे होगी, इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ये डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।